बागेश्वर जनपद में भी करवा चौथ का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया गया। सुबह से ही महिलाओं में करवा चौथ त्यौहार को लेकर काफी उत्साह देखा गया। महिलाओं ने पति की लंबी उम्र के साथ साथ घर परिवार की सुख समृद्धि की कामना को लेकर मंदिरों में भी पूजा अर्चना की तथा व्रत रखा। साईं बागनाथ मंदिर में महिलाओं ने सामूहिक तौर पर पूजा अर्चना की तथा सभी की सुख समृद्धि की कामना करती हुई एक दूसरे को करवा चौथ की बधाइयां दी। इधर गरुड़, कपकोट, कांडा सहित जिले के अन्य हिस्सों में भी करवा चौथ का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया गया। सभी सुहागिनों को आज के करवा चौथ की बहुत बहुत बधाइयाँ हमारी ओर से। हम लोग ये करवा चौथ बहुत जब से शादी हुई है तब से मनाते आ रहे हैं और जब तक उम्मीद करेंगे कि जब तक जिंदगी रहे हम आगे को मनाते रहें। भगवान हमको ऐसा आशीर्वाद दे कि हम सुहागिन रहें जब तक जिंदगी रहे और इस करवा चौथ में सबको घर में खुशियाँ आएँ। सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। सबसे पहले मैं सभी महिलाओं को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएँ देना चाहूँगी और ये मेरा 22वां करवा चौथ है और मैं हमेशा इसको इसी तरह से भव्य तरीके से मनाती भी आ रही हूँ। साल भर हम लोगों को, सब लोगों को इसका इंतज़ार रहता है। अब बेसिकली मेरा सैलून भी है और आप यकीन मानेंगे कि पिछले फ्राइडे से लेडीज़ जो हैं वो रेगुलर आ रही हैं और सब बहुत एक्साइटेड हैं। बहुत अच्छा लगता है, पूरा दिन हमारा ना कट जाता है और पता भी नहीं चलता है कि मतलब व्रत है और निर्जला व्रत है, इसका एहसास ही नहीं होता हम लोगों को। पहले तो सभी सुहागिन बहनों को मेरी तरफ से करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। सभी का अटल सुहाग बना रहे मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। मेरा अभी 12वां करवा चौथ है, मैं शादी के बाद से ही तुरंत ये करवा चौथ कर रही हूँ और ये अपनी पति की लंबे आयु के लिए और अपने सुहाग के लिए, पति की सुख समृद्धि के लिए ये व्रत सभी महिलाएं करती हैं। बहुत उत्साहित रहती हैं इस व्रत के लिए सभी। दिन भर सभी भूखी प्यासी रह के रात को चाँद देखने के बाद ही अपना व्रत तोड़ती हैं और सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। मेरा सेकंड करवा चौथ है और सभी को मैं हैप्पी करवा चौथ बोलती हूं। CCN News के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।